वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये आप देख रहे हैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक, जिसका नाम है वैगनार, जो कि ये फोर्थ जनरेशन है और 6 महीने कुछ भाई को इसे यूज़ करते हो गए हैं। एंड मैं आपको ओनर से ही मिलवाऊंगा, तो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक वैगनार, जो कि एक 1.2 में भी आता है। इसमें दो मॉडल आते हैं, ये है स्टड मॉडल बिल्कुल बेस, जिसमें एक एयरबैग आता है और इससे ऑप्शनल ब्लॉक ऑप्शनल कार में आता है डबल एयरबैग और ऐसा कुछ। ये है ऐसे कुछ इसकी फ्रंट ग्रिल और इसके नीचे ये जो आप जिगजैग देख रहे हैं आप, उसमें भी क्रोम लगवा सकते हैं। ये कुछ ऐसा इसका हेडलैम्प जिसमें आते हैं हेलोजन बल्ब और एक पायलट लैंप। ये टर्न नेगेटर, इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलते। और ये टोइंग हुक और ये कुछ ऐसे कुछ नंबर, ऐसी कुछ शार्प सी ग्रिल। और जैसा कि ये बेस मॉडल है तो इसमें फेंडर पर मिलते हैं आपको इंडिकेटर, ये आफ्टर मार्केट व्हील कवर और ये मड फ्लैप और ये मैनुअल ORBM आते हैं। और जैसा कि ब्लैक में हैंडल और ये आईपॉप के डोर गार्ड लगवा रखे भाई ने और ज़रूरत भी है उनकी। और ऐसा कुछ ये जैसे कि टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ मारुति से सेल करता है। और इसका ऐसा कुछ इसका साइड लुक और काफ़ी बड़ी विंडोज़ मिलती है। और ये भाई ने वाइज़र भी लगवा रखे, रेड वाइज़र, जिनसे कि कॉस्ट आपकी भाई से भी एंड में बात करेंगे जब आपको कॉस्ट भी बताई जाएगी। और इसमें क्वार्टर ग्लास नहीं मिलता, ऐसे कुछ दो विंडो मिलते हैं। और ये इसका बैक लुक जिसमें काफ़ी बड़ी आपको हेड बैक लाइट मिलती है, टेल लाइट। और ये सुजुकी का लोगो और उसके नीचे ये क्रोम वैगनार की बैजिंग। और इसमें आते हैं दो रिवर पार्किंग सेंसर और ये भाई ने कैमरा भी इंस्टॉल करवा रखा है आफ्टर मार्केट। और यहाँ से बूट ओपनर के लिए लॉक और ऐसे कुछ इसके रिफ्लेक्टर भी आते हैं, ये दो रिफ्लेक्टर है इसमें। और आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। और बूट स्पेस कुछ खोलने के लिए कुछ यहाँ पे एक लीवर दिया गया है जो कि 5-way लॉक के साथ आता है, ऐसा कुछ ये लीवर है। और ये देख सकते हैं आप 341 लीटर का बूट स्पेस। और ये है भाई की गाड़ी का बॉडी कवर और इसमें पार्सल ट्रेन ही आती जैसे कि। और आपको स्टेपनी दिखाते हैं, इसमें भाई इसमें आते हैं 13 इंच के स्टील व्हील जिनकी प्रोफाइल कुछ ऐसे है 155/80R13। और ये ऐसे कुछ इंसुलेशन मिलता है यहाँ जो ये ढका हुआ कवर करता है इसे। और इसमें आती है एक मेन लाइट, ब्रेक लाइट कहते हैं जैसे, ये विपुल के यहाँ से ली थी भाई ने। और ये कुछ इसके बैक लाइट जिसमें आपको मिलती है ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर और ये बैक लाइट जो हेलोजन में आती है। और ऐसा कुछ इसका साइड लुक और ऐसा कुछ है इसका फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी है 32 लीटर्स। और ये अंदर से ही लीवर से ही ऑन होता है, आपको दिखाएंगे जहाँ से ओपन होता है ये। और ये कुछ इसकी को पैसेंजर साइड गाड़ी है, तो बल्कि बल्कि सी लेकिन थोड़ा टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से मार खा जाती है, लेकिन फिर भी इंडिया वालों की पहली पसंद है ये। एंट्री लेवल है, जो भी भाई
या तो अल्टो या तो इसे प्रेफर करता है सबसे पहले। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और ये रजिस्ट्रेशन डेट 25/3/2021। और ऐसे कुछ इसमें दो वॉशर मिलते हैं, दो वाइपर विंडशील्ड के लिए। आपको दिखाते हैं इसका इंजन वे। तो यहाँ से कुछ इसका इंजन वे ओपन होता है। ये है इसका 998 cc का 3 सिलेंडर इंजन और 1.2 में 4 सिलेंडर आता है, जैसे कि देख सकते हैं 3 सिलेंडर। और यह है वाटर फ्यूल लिड, जैसे आप अपने वाइपर वॉशर के लिए पानी फिल कर सकते हैं। ये है इसका फ्यूज़ बॉक्स, ये बैटरी वे। और ऐसा कुछ इसमें इंसुलेशन नहीं आता, फिर भी रिफाइनमेंट बहुत है तो इंसुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है मारुति गाड़ियों में तो। और माइलेज और जेब पर भारी ना पड़े इसलिए तो पब्लिक मारुति गाड़ी लेनी प्रेफर ज़्यादा करती है मेरे हिसाब से तो। आते हैं इसका इंटीरियर। और ऐसा कुछ इसका डोर है जो कि काफ़ी वाइड एंगल में ओपन होता है। और ये दिखाते हैं इस पर क्या क्या फीचर मिलते हैं। ये है पावर विंडो का लॉक, ये लॉक देख सकते हैं आप कि अनलॉक। और ये को पैसेंजर साइड पावर विंडो और ये ड्राइवर साइड। और ऐसा कुछ इसकी हाइट एडजस्टेबल सीट आ रही है 4-वे, और जो कि वैगनार अपने स्पेस के मामले में जानी जाती है, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। और ऐसा कुछ आता है इसका डैशबोर्ड, जिसमें आते हैं एक ये एसी वेंट है, एक ये पैसेंजर साइड है और एक ये ड्राइवर साइड। मेरे को भाई इनका कुछ यूज़ नहीं लगता, क्योंकि ये यहाँ पर बंदा पकड़ के चलाएगा तो हवा आएगी कहाँ से। बस ये है कि थोड़ा एसी चलेगा तो कूलिंग होती रहेगी। और ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें दिखाता है ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज रेंज। और ये भाई ने चला चुके हैं भाई 3290। और ये टाइम गलत हो रखा है, माइंड मत करना। ये देखिए 4 44 हो रहे हैं। और फ्यूल इकोनॉमी और बाकी ये आती है वार्निंग लाइट। और एक आता है ऐसा कुछ ये स्टिक, जिसे आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ ये सिंपल सा स्टीयरिंग आता है, क्योंकि ये बेस मॉडल है। और इसमें नॉर्मल सा हॉर्न आता है, जो कि सुजुकी शुरू से ही स्टार्ट रख रही है और अब भी है। और जैसे कि बेस मॉडल है तो इसमें हेडलाइट लेबलर आता है, ये और कुछ नहीं आता। अगर सीएनजी वाली लेते तो यहाँ पे सीएनजी वाला लोगो भी आता, स्विच। और ऐसा कुछ वाइपर वॉशर के टॉगल और ये हेडलाइट के, और ये सुजुकी का लोगो। और ये सिंगल एयर बैग है, तो एक ये बैजिंग यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे आता है तो उसकी बैजिंग होती है इसमें। ये बेस मॉडल है तो नहीं है। और ये है साउंड बेस का म्यूजिक सिस्टम 9 इंची, जिसमें आपको अभी NCS का म्यूजिक सुनाएंगे भाई जिसकी गाड़ी है, और आपको उनका फीडबैक भी दिलाएंगे। ये है जस्ट स्विच का। और ये कुछ मैनुअल एसी जो कि ब्लोवर की स्पीड काफ़ी तगड़ी है। और ये हीटर वगैरह, और ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जिसमें भाई ने चार्जर लगा रखा है। और ये कुछ स्पेस आता है, और ये 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। और ऐसा कुछ इसमें एक बोटल होल्डर या कप होल्डर आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये कॉइन स्पेस थोड़ा, और ऐसा कुछ ये हैंड ब्रेक। और ऐसा कुछ आता है इसके ऊपर, जो कि शायद आपको स्विफ्ट में भी देखा हो, वो भी सेम था। और इस पर कुछ नहीं है क्योंकि ये एयर बैग नहीं है, इसमें डबल एयर बैग होता तो इस पर भी बैजिंग होती उसकी। और ऐसा कुछ ये है, इस पर टिकट होल्डर मिल जाता है। और ये मैनुअल सिंपल सा हुआ मैम। और ये भाई के थोड़ा गुरुजी वगैरह का कार्ड वगैरह लगा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए गाड़ी में। भाई ने ये लगवा रखे हैं 4-डोर स्पीकर। भाई ने पीछे पार्सल ट्रे पर नहीं लगवाए। ये इसका बैक डोर, जो कि फ्रंट 2 पावर विंडो के साथ ही आती है, बैक वाली मैनुअल है, हाथ से आपको इसके थ्रू उतारनी पड़ेगी ऐसे घुमा के। और ऐसा कुछ बोटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस, और ये ग्रैब हैंडल। और ऐसा कुछ इसका बैक है, और ये भाई ने सीट कवर डलवा रखे हैं। अभी भाई से कॉस्ट भी पता करेंगे कि क्या कॉस्ट आई इनकी,
और मैट वगैरह और काफ़ी काम करवा रखा है, जैसे कि देख सकते हैं पार्सल ट्रेन ही है और काफ़ी हेडरूम है। और ये फिक्स ग्रैब हैंडल मिलते हैं तीन, ड्राइवर साइड नहीं मिलता, तीन ही मिलते हैं। और ऐसे कुछ इसके फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं चारों, कोई एडजस्टेबल नहीं मिलते क्योंकि बेस मॉडल है। और मेरे हिसाब से और इसके टॉप मॉडल में भी यही आते हैं। और पीछे से कुछ ऐसी इसकी इंटीरियर की लुक आती है डैशबोर्ड की, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। ये सीट कवर हैं, इसमें कुछ ऐसी पॉकेट मिल जाती है दोनों के पीछे। और ये देखिए आप, ये है इसका जैक, ये सामने ऐसा कुछ मैट है। भाई से पता करेंगे ये क्या है, कितने के पड़े, क्या कुछ कॉस्ट आई है। और अभी लेते हैं भाई का फीडबैक। और जैसा कि आप देख सकते हैं विकास भाई अभी कर रहे हैं हैंसियस का सॉन्ग प्ले। तो भाइयों कैसा लगा आपको NCS का सॉन्ग, प्लीज़ बताना। और आपको एक चीज़ रह गया वो दिखाता हूँ कि भाई ने माइक भी लगवा रखा है जो कि कॉलिंग के टाइम, ट्रैवलिंग के टाइम पर काम आता है। और अभी भाई का करवाते हैं इंट्रोडक्शन, तो मिलवाते हैं आपको गाड़ी के ओनर से। ये है गाड़ी का ओनर, तो भाई अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज़। भाई मेरा नाम विकास सिंह है फ्रॉम फरीदाबाद। तो विकास भाई आपको यूज़ करते हुए 6-7 महीने हो गए इस गाड़ी को। हाँ जी। तो भाई क्या रिस्पांस रहा है? गाड़ी का रिस्पांस अच्छा था, कोई तो दिक्कत नहीं आई ऐसी, और चलाने में कंफर्ट है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो है कि आप 5 जनों को बैठा करके इसमें कहीं भी ले जा सकते हो, स्पेस अच्छा है इसका। और भाई ये माइलेज क्या देती होगी? माइलेज ये आपकी शुरू में तो आई थी जब 13-14 थी, बट अब 20 देती है ये माइलेज। दे देती है भाई? हाँ 20 माइलेज दे देती है। अच्छा भाई विदाउट एसी या एसी के साथ? एसी के साथ। अच्छा तो भाई आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हो फुल? हाँ फिलहाल तो हम अभी सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आपने क्या क्या लगवा रखा है इसमें, एक बात बताएंगे ये एसेसरीज की, क्या क्या एसेसरीज लगवा रखी आपने? सिस्टम लगवाया था, सीट कवर थे, मैट थी। और सीट कवर लगवाए भाई, आपको दिखाते हैं दोबारा। तो ऐसे कुछ सीट कवर है जो कि बकेट नहीं है भाई, ये नॉर्मल वाले हैं, भाई ने बकेट नहीं लगवाई। अच्छा तो विकास भाई आपने बकेट कवर क्यों नहीं लगवाई? ब्रदर बकेट कवर इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि नई गाड़ी है और गाड़ी की सीट फाड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो भाई इनका प्राइस क्या कॉस्ट आई होगी? ज्यादा नहीं, 2500 तक के लगे थे। अच्छा और भाई ये साउंड बेस का आपने देखा, म्यूजिक सिस्टम 9 इंच ही है और 4 स्पीकर है, तो भाई इसकी क्या कॉस्ट आगी? ये 13,000 का पड़ा था विद स्पीकर, 4 स्पीकर के साथ। तो भाई स्पीकर कौन से? JBL। अच्छा हाँ, चारों डोर में। तो भाई जिस हिसाब से 13,000 पे खर्च किए हैं तो साउंड काफी बढ़िया है। और ये भाई ने एक एसेसरीज में ले रखा है ये कुछ चार्जर, इसकी कॉस्ट क्या आई होगी भाई? तो इसकी कॉस्ट भाई ने बता दी 350 रुपये है। और ये मैट है भाई, सिंपल से नॉर्मल से भाई ने मैट लिए हैं क्योंकि भाई की रनिंग नहीं है अभी इतनी कुछ खास, तो कुछ ऐसे ही है। अच्छा तो भाई विकास ये गाड़ी चलने में कैसी है? देखो गाड़ी चलने में बेस्ट है, बट डिपेंड तो चलाने वाले के ऊपर होती है। बिल्कुल भाई, बट कोई रफ एंड टफ तरीके से चलाता है और कोई नॉर्मल चलाता है, तो डिपेंड चलाने वाले पे होती है गाड़ी की। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग यानी पब्लिक इससे ही स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग कर सकती है। एंट्री लेवल कार है ये, एंट्री लेवल कार है। फॉर सेफ्टी प्लीज चेक द सिचुएशन अराउंड। और ये काफी बढ़िया लुक है और ये भाई एक नंबर लुक रहा है। और ये देखिए आप, पार्किंग लाइट जलाता हूँ तो इसमें भी लाइट ब्लिंक होती है, आपको शायद दिख नहीं रही हो, ये देखिए ऐसा कुछ है। तो काफ़ी बढ़िया है साउंड बेस का, और आप चाहो तो लगवा भी सकते हो।